हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग जो है अपने टॉपिक को क्लियर करते हैं, जो कि कल आधा अधूरा रह गया था, आज पूरा कर देंगे। मिलन अभी आधा अधूरा है, इससे लेकर जो है हम लोग पूरा पूरा करने वाले हैं आज। ठीक है, आधा अधूरा नहीं छोड़ा जाता है कोई भी कार्य। इस हिसाब से आइए आज हम लोग पूरा करते हैं और देखते हैं बहुत ही लाजवाब तरीके से कि हम लोग कैसे क्या करेंगे और कैसे हम लोग निकालेंगे किसी भी मॉलिक्यूल का शेप, हम लोग कैसे निकालेंगे। तो बेसपर थ्योरी के माध्यम से जो है हम लोग जो है इसमें हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का शेप निकालने में हम लोग सक्षम हो पाएंगे। अगर आप इसमें पूरा का पूरा परिपूर्ण होना चाहते हैं, परफेक्ट होना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। आप एक एक मेरे अकॉर्डिंग, मैं जैसा जैसा करता हूँ वैसे वैसे आप एक एक पॉइंट को देखें और समझें कि क्या होगा। ठीक है, तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं शेप के बारे में। आज हम लोग जो है दोनों देखेंगे कि ज्योमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगा, दोनों देखेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगा, दोनों देखेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले, तो हमारे पास जो है चौथा नंबर नियम था, हम लोग पास इसको हम लोग पढ़ने वाले थे। तीन जो है कल हो गए थे, तीसरे में मैंने करा भी दिया था और ये चौथा नंबर आज। चौथा नंबर ये कहता है मेरे बच्चों कि इफ सेंट्रल एटम 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 सराउंडेड बाई बॉथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। अब हमारे पास कुछ इस तरह का सिस्टम होगा कि हमारे पास जो भी सेंट्रल एटम होगा, हो सकता है कि वो क्या हो कि सराउंडेड बाई बॉथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। ठीक है, इस तरह हो सकता है। और जिसमें इस तरह के होंगे, क्या लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जिसमें दोनों होंगे, उसमें हम लोग जो है कितने प्रकार के फोर्स को देखेंगे, अट्रैक्शन फोर्स सॉरी रिपल्सन फोर्स हमारे पास लगेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है सेम चार्ज है, एक दूसरे को रिपल करेंगे और यहाँ पे रिपल्सन फोर्स लगता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं कोई भी एग्जाम्पल लूँ, तो पहले सबसे पहले जान लीजिए कि कैसे कैसे फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, बॉन्ड पेयर का मतलब है जिसमें बॉन्ड बना है, वे इलेक्ट्रॉन जिनके थ्रू जो है बॉन्ड बना है, जहां पे बॉन्ड बना है वो बॉन्ड कहलाएंगे। ठीक है, वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। लेकिन जो बॉन्ड नहीं, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं इलेक्ट्रॉन, वो खाली इलेक्ट्रॉन अलग अपना स्थान बनाए रहेंगे, उनको बोलेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं। तो मैं कहूंगा कि लोन पेयर ये होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में बॉन्ड पेयर, और फिर जो लास्ट वाला होता है बच्चों, लास्ट वाला होता है बॉन्ड पेयर इसको पेयर यहां लिखना, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच। ठीक है, ये तीन टाइप के जो है फोर्सेस लगती हैं, तीन टाइप के फोर्सेस लगती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फोर्स जो है, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट सॉरी सबसे ज्यादा रिपल्सन फोर्स जो है लोन पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। यानी कि अगर दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, दो पेयर है इलेक्ट्रॉन का, तो सबसे ज्यादा रिपल्सन फोर्स इनके बीच लगने वाला है। फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच, यानी कि एक लोन पेयर हो दूसरा वाला बॉन्ड पेयर हो, तो इनके बीच थोड़ा सा कम इसके अपेक्षा। ठीक है, सबसे कम जो रिपल्सन होता है, रिपल्सन फोर्स लगता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ऐसे बातें नहीं समझ में आती ना प्यारे बच्चों, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, आज आप लोग बिल्कुल किसी भी मॉलिक्यूल का शेप निकालने में आप सक्षम हो पाएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक, सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे CH4 का।
CH4 में। देखिए आप CH4 में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 के 4 कंज्यूम हो गए हैं, सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, सारे इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लिया है और ये जितने भी हैं सारे के सारे जो है बॉन्ड पेयर बना रहे हैं। यानी कि यहाँ भी हमारा बॉन्ड पेयर बन रहा है, ये भी बॉन्ड पेयर बन रहा है, ये भी बॉन्ड पेयर बना है और ये भी बॉन्ड पेयर बना है। यहाँ पर सारे के सारे जो है बॉन्ड पेयर बनाए हैं, इसी को कहेंगे बॉन्ड पेयर। ठीक है, जो बॉन्ड बनाए हैं, जो इलेक्ट्रॉन मिलकर जो है आपस में, एक इसका इलेक्ट्रॉन मिलकर आपस में बॉन्ड बना लिए हैं, तो ये बॉन्ड पेयर हो गया। अब इनके इनके बीच में जो रिपल्सन लगेगा इसको बोलेंगे बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ठीक है, हमने पहले यही ले लिया बॉन्ड पेयर यानी लास्ट वाला बॉन्ड पेयर रिपल्सन। इसमें जो होगा बॉन्ड पेयर इनके बीच में जो है बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा। ठीक, तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड पेयर है, इसलिए इनके बीच लगने वाला रिपल्सन फोर्स जो होगा बॉन्ड पेयर रिपल्सन फोर्स होगा। यहाँ पे होगा बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ठीक, ये बात आपको क्लियर हो रही होगी, ये बातें आपको क्लियर हो रही होगी। ये हो गया, इसके बीच में लगेगा। अब इसकी हम लोग ज्यामिति की बात करेंगे, तो ज्यामिति कुछ इस प्रकार से होगी, ज्यामिति यानी ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री। यहाँ पे एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे जो ज्यामिति होगी, ज्योमेट्री होगी, वही इसका शेप भी होगा। यानी कि इसका शेप क्या होता है, संकरण होता है sp3 के माध्यम से। इसका शेप और ज्योमेट्री दोनों इसका क्या होगा, क्योंकि इसमें एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। मैं बता दूं कि ज्योमेट्री जो है ज्योमेट्री दोनों पर डिपेंड करती है, ज्योमेट्री जो है दोनों पे डिपेंड करती है, किस पे, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पे। ठीक है, लेकिन शेप क्या है, शेप हम सिर्फ बॉन्ड पेयर के थ्रू देखेंगे कि बॉन्ड पेयर जिस हिसाब से हमारा शेप बना रहा हो वही उसकी शेप कहलाएगी। ठीक, यहां पे देखिए, तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि यहां पे जो है ज्योमेट्री और शेप इसमें जो है आपको दिख रहा है। इसमें क्या है कि इसमें लोन पेयर एक भी नहीं है, लोन पेयर है ही नहीं। जब लोन पेयर ही नहीं है तो सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, और सारे के सारे जब बॉन्ड पेयर है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय संरचना। ठीक है, चतुष्फल की संरचना। और इसके बारे में, इसका इसके बीच का एंगल होता है, कोण होता है, जिसको हम लोग एंगल बोलते हैं, एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। कितनी बातें हम लोग कर चुके हैं, ये एक हुआ हमारे पास अभी। ठीक है, दो स्ट्रक्चर और लेने वाले हैं, उसके थ्रू समझने वाले हैं। अगला हम लेने वाले हैं NH3 अमोनिया, NH3। अगर आप इसके लुइस डॉट स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, और यहां पे एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर। अब यहां पे समझेंगे कहां पे किनके बीच में बॉन्ड पेयर रिपल्सन लगने वाला है, किनके बीच पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन लगने वाला, तो हम लोग इसके थ्रू समझेंगे। ठीक है, हमारे पास है NH3, तो हम बात करेंगे ये हमारा बॉन्ड पेयर है, तो ये हमारा लोन पेयर है, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर है, और इसके पड़ोस में जो है बॉन्ड पेयर। ये देखिए, ये बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन नहीं रिपल्सन फोर्स जो लगेगा वो होगा कौन सा, ये होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच। ठीक है, ये यहाँ पे जो दिख रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, उसके बाद मैं बता दूं वही सेम चीज यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पे भी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, इतनी बात। लेकिन इनके इनके बीच और इनके इनके बीच दोनों क्या है, ए भी बॉन्ड पेयर है, ए भी बॉन्ड पेयर है, और हमारा ए भी बॉन्ड पेयर है, तो इनके इनके बीच में कौन सा रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो ये लगेगा प्यारे बच्चों, ये होगा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। ठीक है,
यहां पे भी ये दोनों बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, इसलिए यहां पे बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि कहां पे बॉन्ड पेयर लग रहा है, कहां पे जो है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर लग रहा है, कहां पे बॉन्ड पेयर लग रहा है, कहां पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर लग रहा है। ठीक, अगर इसकी हम बात करें, क्या स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसमें सबसे पहले अगर बात करें हम हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन अभी भी देखिए, अगर इसमें पहले गिन लीजिए कितना सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, लोन पेयर कितने हैं 1, तो टोटल हुआ 4। 4 का मतलब होता है, 4 का मतलब प्यारे बच्चों बार बार बताया गया है कि sp3, 4 का मतलब sp3। तो इसकी ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री होगी क्या, टेट्राहेड्रल। ज्यामिति क्या होगी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ठीक, तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका शेप क्या होगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग पाते हैं कि शेप जो होता है, शेप हम लोग सिर्फ लोन पेयर को हटा देंगे, लोन पेयर के द्वारा शेप नहीं देखा जाता है, शेप हम सिर्फ बॉन्ड पेयर के थ्रू देखते हैं। तो अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से शेप दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर ये हमारा सिस्टम है तो कुछ इस प्रकार से ये एक पिरामिडल का शेप बनाता है। ठीक है, ये पिरामिडल का शेप कुछ इस प्रकार से बनाता है। ठीक है, तो इसके थ्रू देखेंगे, और ये बनाता है पिरामिडल। ठीक है, इसको क्या कह रहे हो, पिरामिडल शेप। शेप क्या होगा, शेप होता है इसका पिरामिडल, पिरामिडल इसका शेप होता है पिरामिडल, किसका, NH3 का। ठीक, शेप किसके द्वारा देखा जाएगा, तो शेप केवल इनके द्वारा, इनके द्वारा, इनके द्वारा देखा जाएगा, यानी कि बॉन्ड पेयर के द्वारा देखा जाएगा। ठीक है, बंद युग्म के द्वारा देखा जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगला एग्जांपल हम लोग लेने वाले हैं, बहुत ही शानदार और बेहतरीन जो है H2O का एग्जांपल लेने वाले हैं हम लोग, H2O। ठीक है, अब इसके बारे में बात करेंगे, तो इसके बारे में यहाँ पे H2O में आपको पता है कि अगर इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस प्रकार से बनता है, O के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक मान लीजिए ये हो गया और एक जो है ये हो गया, आराम से बैठे रहे, दिल थाम के देखें वीडियोस को, जो है आराम से समझ में आएगा, इसमें कोई भी कहीं दिक्कत की जरूरत नहीं आनी चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे आपके लिए, और अच्छा हम आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये अपने आप में बेस्ट है, इसमें कोई भी वो दोबारा आपको समझने की जरूरत ही नहीं है, आप एक बार आराम से देखें और समझें। अगर आपको लग रहा है कि हम तेज पढ़ा रहे हैं तो आप वीडियोस की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, प्लेबैक स्पीड होता है। चलिए यहाँ देखिए, ये लोन पेयर है कि नहीं है, है लोन पेयर, और ये क्या है, बॉन्ड पेयर। अब भैया लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन लगेगा उसको बोलेंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ठीक है, एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर, इसलिए LPBP। ठीक, अब ये दोनों क्या है, ये दोनों बॉन्ड पेयर, तो यहां पे जो रिपल्सन होगा यहां पे होगा बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब फिर यहां पे इन दोनों के बीच, ये दोनों के, ये भी एक लोन पेयर है एक बॉन्ड पेयर है, तो मैं कहूंगा कि LP और BP, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। लेकिन प्यारे बच्चों एक चीज आपको देखने की जरूरत है, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, कहिए क्या, तो आप देख रहे होंगे इनके बीच में जो है ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर है, तो लोन पेयर जो है, लोन पेयर यहां से यहां इन दोनों के बीच लगेगा क्या, लोन पेयर और लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर लगेगा किसमें, क्योंकि ये भी लोन पेयर है और ये भी क्या है, लोन पेयर है, इसलिए इनके इनके बीच में लगेगा लोन पेयर रिपल्सन। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम इसका बात करेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो जानकर खुशी होगी कि इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होगा। कंफ्यूज हो गए ना, sp3 होगा, क्यों भैया, क्यों लोग, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, सबसे आसान तरीका, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 1 2, लोन पेयर कितने हैं 1 2, टोटल कितने हो गए 4, 4 का मतलब क्या होता है, 4 मतलब sp3,
sp3 यानी कि ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होगी प्यारे बच्चों टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होगी लेकिन शेप क्या होगा, शेप तो शेप होगा, शेप हम लोग बोल सकते हैं, शेप टू टाइप्स बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते थे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोल सकते थे, ये भी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है, लेकिन अगर शेप हम लोग, मैंने बोला है कि शेप हम किसके द्वारा देखते हैं, तो मैंने कहा सिर्फ बॉन्ड पेयर के थ्रू देखते हैं, तो शेप आपको कुछ इसके इस तरह दिख रहा होगा, यानी कि इसको हम लोग वी शेप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं वी शेप, आपको दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से वी शेप, ठीक है वी शेप में आपको दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कौन सा शेप, वी शेप या बेंट शेप बोल सकते हैं, बेंट शेप, बेंट शेप और उल्टा वी शेप, ठीक है वी शेप आप सीधा भी बना सकते हैं लेकिन आपको जानकारी के लिए कि ये उल्टा वी है, वी शेप, ठीक है इसको हम थोड़ा सा मिटा देंगे ये वाला, और इसके बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं, ठीक इतना बहुत है, ठीक है तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे जो है स्ट्रक्चर और कैसे मतलब कि हम ज्योमेट्री और शेप हम लोग निकालेंगे, किस आधार पे लोन पेयर, लोन पेयर, अच्छा बताइए इसकी ये जो है शेप ऐसा हो क्यों जाता है, क्यों हो जाता है भैया, क्योंकि दोनों जो है रिपल कर रहे हैं, सब एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, रिपल करेंगे जाहिर सी बात है जो ऐसे था रिपल करने के बाद ऐसे स्थिति हो जाएगी, ठीक है तो इसलिए इसकी स्थिति बिगड़ जाती है, सबका शेप ऐसा होना चाहिए सर टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, सबका शेप जैसे इसका ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या है टेट्राहेड्रल, तो सबका वही होना चाहिए था, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं दोनों, अब जैसे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब ये बॉन्ड पेयर दोनों बॉन्ड पेयर को क्या करेगा दबाएगा ऐसे, ठीक है रिपल करेगा, तो इसकी स्थिति बिगड़ जाएगी, तो इसका शेप कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, पिरामिडल शेप आएगा, यहाँ पे दो दो है और तगड़े से दबाएगा, तो इधर से दोनों क्या कर देता है इसको दबा कर इसे वी शेप में ला देता है, वेंट शेप बन जाता है, वी शेप जिसको बोलते हैं शेप, वेंट शेप या फिर वी शेप बोलते हैं, ठीक उम्मीद करते हैं कितनी बातें क्लियर हो गई होंगी, और आगे बढ़ते हैं और भी बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं और उसके माध्यम से हम लोग समझते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टाइप कि टाइप कौन सा है, टाइप के बाद हम लोग समझेंगे कि उस एग्जाम्पल कौन से आएंगे, इस टाइप के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, एग्जाम्पल के बाद समझेंगे कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है हाइब्रिडाइजेशन के बाद समझेंगे एक पैर बच्चों कि इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है ये समझेंगे, और लास्ट में हम समझेंगे कि इसका जो है शेप क्या होगा, शेप क्या होगा, ठीक है शेप समझेंगे, इतनी बातों को हम लोग समझने वाले हैं, एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, अब मान लीजिए हमारे पास कोई एक एग्जाम्पल आ गया ए बी टू एल टाइप का, ए बी टू एल क्या है, ए जो है सेंट्रल एटम है केंद्रीय परमाणु है, बी क्या है अटैच्ड एटम है उससे जो जुड़ा हुआ अटैच एटम है, ठीक है अब ये एल क्या है, एल है लोन पेयर, एल क्या है बच्चों लोन पेयर, तो इस टाइप के एग्जांपल में क्या आ सकते हैं, तो हम लोग देखने वाले हैं कि जैसे हमारे पास इस तरह के एग्जांपल में क्या हो सकता है SO2, ठीक है इस टाइप के एग्जांपल में SO2 आ सकता है, ठीक है और भी हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे SnCl2, ठीक है तो इस तरह के एग्जाम्पल के लिए इसमें क्या है, मैंने कहा कि Ab2L, A का मतलब सेंट्रल एटम होगा, B का मतलब उससे अटैच एटम होगा, L का मतलब L क्या है तो L लोन पेयर है, ठीक है हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, तो मैं बता दूं कि हाइब्रिडाइजेशन होगा पेरेंट्सों अगर हम लोग निकाल लें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, तो दो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे, ठीक है लोन पेयर कितना है 1 लोन पेयर, ठीक है 1 लोन पेयर, तो यहां से आया टोटल कितना 3 और 3 का मतलब होता है sp2, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2। शेप क्या होगा, शेप की बात करें तो अगर हम इसको सेंटर में रखें सेंट्रल एटम को कहां रखेंगे, सेंटर में रखेंगे, और इससे लिंक एटम कहां है, ये होगा इससे लिंक एटम BB, लोन पेयर कहां होगा, तो लोन पेयर यहां होगा, ठीक ये लोन पेयर हो गया, तो इसका इस स्टेप क्या हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ये इनके बीच में जो रिपल्सन फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है
और इसका शेप हमारे पास क्या आ जाएगा, शेप इसके थ्रू देखेंगे तो शेप कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं बेंट शेप, जिसको हम लोग बोलते हैं बेंट शेप, जिसको हम लोग बोलते हैं बेंट शेप, ठीक है, ये बेंट शेप, या फिर इसको यू शेप भी, वी शेप भी बोलते हैं, वी शेप भी बोलते हैं, ठीक। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे कि अब हमारे पास हो सकता है, मान लीजिए AB2L2 टाइप के, ठीक है, AB2L2 मतलब कितने लोन पेयर, दो लोन पेयर, कितने अटैच आइटम रहेंगे, दो अटैच आइटम और एक सेंटर। इसमें मैं कहूंगा कि अच्छा सा खासा सा नन्ना सा एग्जांपल होगा हमारा H2O, ठीक है, H2O हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन देखिए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर 2, यानी हम लोग लिख सकते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड, तो 2 सिग्मा बॉन्ड, कितने लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर, दोनों का सम करेंगे टोटल 4 होगा, 4 का मतलब क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब मैं कहूंगा शेप क्या होगा, तो शेप अगर बनाए हम तो ए हो गया, 2b है तो 2b ए हो गया, b, ठीक है, और लोन पेयर कितने हैं, तो दो लोन पेयर, एक लोन पेयर इधर, ऐसे बना, ठीक है, दो लोन पेयर। इसका भी शेप क्या हो जाएगा, बेंट शेप, इसका भी शेप क्या आएगा मेरे बच्चों, बेंट शेप आएगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वी शेप, ठीक। इतनी बातें आपको उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कि अगर हमारे पास AB3L1 टाइप का हो, यानी कि केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम से 3 लिंक एटम जुड़े हों और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जुड़ा हो, तो इसमें हम एग्जांपल लिए थे जैसे NH3, ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ रहा था sp3 आ रहा था, ठीक। आप गिन सकते हैं 3 क्या है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, एक क्या है लोन पेयर, तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, ऐसा हमारे पास स्ट्रक्चर आ सकता है, और इसको हम लोग sp3 बोलेंगे, टोटल हुआ 4 का मतलब sp3 यहां पे आएगा। इसकी शेप अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, बी बी बी, और लोन पेयर कितना है, एक लोन पेयर, तो एक लोन पेयर ये हमारा बन गया, ठीक है। इसका शेप हम लोगों ने देखा था कि पिरामिडल शेप आता था, क्या पिरामिडल, इसका शेप होता है पिरामिडल, या फिर हम ये भी कह सकते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, क्योंकि sp3 का जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, और ये जो है ये लोन पेयर इसको क्या कर दे रहा है, टेट्राहेड्रल को डिस्टॉर्टेड कर दे रहा है, इसलिए और हम लोग लिख सकते हैं इसको डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है विकृति कर देना, किसी भी आकार को विकृति में कन्वर्ट कर देना, आकृति को विकृति में कन्वर्ट, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, ये हो गया, ठीक है। तो पैराचो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको जो है समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ये 3 एग्जांपल अभी हमने 3 टाइप के लिए हैं, आगे नेक्स्ट हम लोग और टाइप लेने वाले हैं, हम लोग देखने जा रहे हैं किस टाइप का, एक हमारा एक टाइप छूट गया था, उस टाइप का भी हम लोग देख लेते हैं, AB2 और यहाँ पे हमारा L3, मतलब अगर 2 लिंक एटम हो और 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो ऐसे भी हमारे पास संरचना हो सकता है, जैसे Fe, XeF2, ठीक है, यहाँ पे Xe जीनॉन होता है, आपको पता होना चाहिए, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यानी कि 3 लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 लोन पेयर, एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो 1, 2, 3 जो है सिग्मा 3 जो है लोन पेयर है, सॉरी एक मिनट, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो यहाँ पहले हम लोग गिन लेंगे सिग्मा बॉन्ड जो है 2 सिग्मा बॉन्ड है और 3 लोन पेयर है, तो यहाँ से 3, 2, 5 का मतलब होता है sp3d, 5 का मतलब होता है sp3d, शेप कुछ इस प्रकार से बनेगा प्यारे बच्चों कि ये होगा कुछ b और ये होंगे इसका लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर और एक यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है। इसका शेप कुछ लीनियर आता है, क्या आता है, लीनियर शेप। आप शेप हमेशा जो देखा जाता है
एटम के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, सिर्फ एटम के कारण देखा जाएगा सेल। तो आप देख रहे हैं कि ये सीधे एटम के कारण सीधे जो है एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, और इसीलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, लीनियर। ठीक है, लीनियर सेल कहेंगे हम लोग, लीनियर लीनियर बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग लेने वाले हैं AB3L2 टाइप का। ठीक है, AB3L2 टाइप का है, CLF3। इसमें CL में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। CL में टोटल जो हमारे पास होते हैं कितने, बाहरी कक्षा में यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 3 चले गए, तो कितने बचे, 4 बचे। 4 का मतलब होता है 2 लोन पेयर, 4 का मतलब होता है 2 लोन पेयर। ठीक है, अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो टोटल जो है 3 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। ठीक है, इस हिसाब से हमारा जो आएगा, ये इस हिसाब से आएगा sp3d ही आएगा। क्यों, क्योंकि टोटल हुए 5, यहां भी टोटल 5 हो रहा था, sp3d आ रहा था, sp3d आ रहा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यानी कि इसकी शेप क्या होगी, तो शेप मैं बता दूं आपको कि ab2 टाइप के जो भी होंगे, यानी कि ab2l2 टाइप के जो भी होंगे, इनका शेप ऐसे बनेगा। देख लेते हैं कैसे बन रहा है। तो 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर हम लोग कुछ इधर से दिखा देंगे, इस टाइप से लोन पेयर, एक ये लोन पेयर हो गया और एक ये लोन पेयर हो गया। ठीक है, उसके बाद F3 का मतलब ये हुआ कि हमारे पास F3 मतलब यहाँ पे L2 हो गया हमारा, और B2 ये है, तो F3 का मतलब यहाँ पे B3 करना है। ठीक है, B3। ठीक है, और L2 का मतलब 2 लोन पेयर हो गए। ठीक, B3 ये अब सही, अब कोई दिक्कत नहीं। ठीक, B3 का मतलब ये हुआ कि अगर हम ये B यहाँ लगा देंगे, एक B यहाँ लगा देंगे और एक B यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो इसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है। हम लोग शेप के लिए सिर्फ किसको देखेंगे, तो शेप के लिए सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखेंगे। तो एक बॉन्ड पेयर ऐसे है, एक बॉन्ड पेयर ऐसे है, और तीसरा ऐसे है। तो आप इसका शेप देख सकते हैं कि इसका शेप जो है टी शेप का आ रहा है। अगर ये देखिए, अगर इधर से देखा जाए तो टी आप जैसे बनाते हैं टी, देखिए उसका भी शेप क्या आ रहा है, टी टाइप का आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका शेप क्या होगा, तो मैं कहूँगा टी शेप होगा। शेप क्या होगा, टी शेप। ठीक, इसको बिगाड़ सकते हैं, AB4 और L, यानी कि 4 एटम लिंक होंगे और एक हमारे पास होगा लोन पेयर। ऐसे में हम एग्जांपल ले सकते हैं क्या, SF4, इसमें एक लोन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर होंगे। ठीक है, इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हमारे पास कितने है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है 4 सिग्मा बॉन्ड, प्लस कितने लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर होगा, सिर्फ सल्फर के पास एक लोन पेयर, तो 1 लोन पेयर। ओवरऑल हमारे पास 5 आ रहा है, यानी कि इसका भी sp3d होगा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, शेप क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, अगर शेप बनाया जाए तो हमारा शेप अगर देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से शेप मिलेगा, और ये यहाँ पे होगा हमारा एक जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ये लोन पेयर है, और यहाँ पे जो जुड़ेंगे ये बॉन्ड पेयर, और ये बॉन्ड पेयर हो गए, और ये तो अगर जो शेप हम लोग देखते हैं एक्चुअली में, जो शेप हम सिर्फ किसके द्वारा देखते हैं, लोन पेयर वाले को छोड़ देते हैं, शेप सिर्फ हम लोग बॉन्ड पेयर के द्वारा देखते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको कुछ ऐसे शेप देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, इसमें ये एक इनर ऑफ द प्लेन होता है और एक जो है आउटर ऑफ द प्लेन होता है, इनर ऑफ द प्लेन होता है एक, और इसमें दूसरा वाला जो होता है आउटर ऑफ द प्लेन होता है, ये कुछ इस प्रकार से। और इस शेप को बोलते हैं सीसा शेप। इस शेप को बोलते हैं करो सीसा शेप। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, उम्मीद करते हैं। तो कह रहे हो, अब हम लोग लेने वाले हैं AB4L2 टाइप का, AB4L2। इसमें जो है XEF4 इस टाइप का आएगा, क्योंकि इसके पास जो होता है, अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर बचे। और अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन गिनेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 2 लोन पेयर है, इस हिसाब से 6 होगा। 6 का मतलब होता है sp3d2 होता है,
सिक्स का मतलब, ठीक है। सेब क्या होगा, तो सेब की हम लोग बात करेंगे, तो सेब हमारे पास जो है यानी कि देख सकते हैं किस प्रकार हम लोग सेब जो है यहाँ पे अगर हम लोग ए लिखें बीच में और चार जो है हमारे ये लग जाएंगे, ठीक है। सेब कुछ हमारे पास अगर प्यारे बच्चों सेब की बात करें तो सेब हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएगा, अगर हम देखें तो यहाँ पे बी 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 बी, ठीक है, ये बी बी इस तरह हो गया, और हमारे लोन पेयर जो होंगे यहाँ पे लोन पेयर और लोन पेयर यहाँ पे, ठीक है। तो इस सेब को हम लोग बोल सकते हैं क्या, इस सेब को बोल सकते हैं स्क्वायर प्लेनर, इस सेब को बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर सेब, स्क्वायर प्लेनर से, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग सेब कैसे कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, आसान है, एकदम बिल्कुल हलवा है, एकदम हलवा मूली गाजर एकदम आराम से आस्ते हम लोग इसको कर ले जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लेने वाले हैं ताकि इसको फिर रफ करें, क्योंकि नीचे जाने पर जो है ज़्यादा यहाँ दिखता भी नहीं है, इसलिए इसको रफ करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो लेने वाले हैं ए बी फाइव, इसमें क्या है कि हम लोग ले सकते हैं बी आर बी आर F5, इसके पास 6 होते हैं टोटल, एक इसके पास आउटर मोस्ट सेल में 7 होते हैं, 5 हो गए तो एक बचा लोन पेयर, ठीक है। तो इस तरह ये ओके है, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, तो हम लोग काउंट कर लेंगे 5 सिग्मा प्लस लोन पेयर कितने हैं, 1 लोन पेयर, टोटल हो गया 1 लोन पेयर। तो यहाँ पे अगर देख लिया जाए तो टोटल हो गया हमारे पास 6, और 6 का मतलब होता है sp3d2 2, 3 and 2, 3, 5 and 1, 6, ठीक है, sp3d2, ठीक है, ये ओके है। उसके बाद सेप की बात करेंगे तो सेप क्या होगा, हमारा सेप जो होगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, जैसे ए बी फाइव है तो ए हो गया 5, कुछ इस प्रकार से लगा देंगे, और यहाँ पे हमारा ये लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है, और ये बी हो जाएगा, ए बी बी हो जाएगा, ए बी बी हो जाएगा, ए बी बी और ए बी बी, इस प्रकार हम देख सकते हैं इसका सेप जो बनेगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ये स्क्वायर पे है और ये जो है एक जो बचा ये पिरामिडल बनाएगा, ठीक है, तो इसलिए स्क्वायर पिरामिडल सेप हो जाएगा इसका, ठीक है। अब हमारे पास एक लास्ट बचता है, उसको हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और फिर उसको समझते हैं। यल टाइप का इसमें जो होगा, जैसे हमारा यक्स ई यफ यफ कितना है 6, तो यफ 6, ठीक है, हमारे पास इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 6 सिग्मा बॉन्ड प्लस कितने लोन पेयर, 1 लोन पेयर, यहाँ पे 1 लोन पेयर, तो हमारे पास बच गया कितना 6 और 1 7 होता है, 7 का मतलब होता है एस पी 3 डी 3 होता है, 3, 3, 6, 8, 7 और 6, 7, ठीक है। अगर सेप की बात करें तो सेप क्या होगा, सेप बिल्कुल ही आसान कह सकते हैं हम लोग कि सेप जो होगा अगर हम बनाएं तो इसका कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहां पे सेप जो है कुछ इस प्रकार से, सेप ऐसा बनेगा। आप देख रहे हैं कि अगर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसमें जो ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल बनता है, लेकिन सेप इसका क्या हो जाता है, सेप इस लोन पेयर के कारण इसका सेप जो है जिसका जो ज्योमेट्री है वो विकृत हो जाती है, और वही ज्योमेट्री जो विकृत फॉर्म में आती है जो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्रा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, डिस्टॉर्टेड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, अगर आपको सेप नहीं याद हो रहे हैं तो आप जो भी ज्योमेट्री में पढ़े हैं, जो ज्योमेट्री जिसकी होती है आप उस पर डिस्टॉर्टेड शब्द लगा के भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने ए बी सिक्स एल टाइप के लिए, तो इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, लेकिन एक लोन पेयर आने की वजह से इसका
जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है वो बिगड़ जाता है और जो शेप का धारण ले लेता है, नया शेप बन जाता है और उसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ठीक, तो इस टाइप अगर हम लोगों ने इतना चीजें देख ली है, इस टाइप के इतने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और इनका शेप हम लोगों ने और ज्योमेट्री दोनों बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने देखा। मैं इसको जो है बिल्कुल एक शॉर्ट में जो है शॉर्ट वीडियो में आपके पास लाने वाला हूँ, जिसमें आप जो है सिर्फ देख कर बता देंगे कि इसकी शेप क्या होगी और ज्योमेट्री क्या होगी। उसके लिए आप शॉर्ट वीडियो का वेट करें और उसे जरूर देखें।